हेलो गाइस, वेलकम टू बैक थ्री इडियट्स रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं लास्ट सॉन्ग जोहरा जबी का, और जोहरा जबी ही गाने का नाम है। मेरे को यही था कि एल्बम का पूरा है कि जोहरा जबी, तो ट्रैक भी होना चाहिए ऐसा। तो मेरे को नहीं था पता कि फुल ट्रैक का आएगा टाइटल ऐसा भी, बट मेरे को ये था कि होना चाहिए था क्योंकि हम नीचे से गाने देखते आ रहे हैं। तो आपको पता है जो नए हैं उनको हम बता दें कि फर्स्ट एक फर्स्ट रिएक्शन होता है, हमने नहीं पहले सुनते हैं भाई, फिर रिएक्शन ही निकलता तो वो क्या ही मजा फेक दिखाना। ठीक है, रियल रहते हैं जो सामने हैं दिखाते हैं। तो जो नए आए हैं उनको यही कहूंगा कि बी प्राक का गाना है, बी प्राक भाई की एल्बम है, जोहरा जबी म्यूजिक उनका ही होता है और जानी भाई के लिरिक्स होते हैं। बहन चोद, पीछे जाओ नए वालों, अगर आए हो तो पीछे वाली वीडियो रिएक्शन चेक करो यार, ये भी देख लो पर पीछे से पहले स्टार्ट कर लो, मैं ये रेकमेंड जरूर करूंगा। और इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं लास्ट गाना कैसा है भाई। अभी तक तो मचा के रख दिया यार एल्बम ने, टच यादों के खून, तेरी बातों के खून, तेरी शामों के खून, तेरी रातों के खून, मेरे सपनों के खून, मेरी चाहतों के, गौर से तू देख, खून लगा तेरे हाथों पे। जोहरा जबी कोई महफिल नहीं जिस महफिल में, मैं कुछ ऐसा ही वेट कर रहा था ऐसा आएगा तो मैं हिल जाऊंगा, मेरे को पता था। वो बहनचोद हुआ ही सेम वैसा, और पीछे से वो हारमोनियम आया ना, वो वैसे ही मेरे को ले गया। जो पहले से बात करें उनको पता है मेरे को लाइव चीजों से बड़ा इश्क है इंस्ट्रूमेंट से, हारमोनियम, तबला, फ्लूट, गिटार, मैंडोलियन, ये तीन चार पांच ऐसे इंस्ट्रूमेंटल ले जाते हैं यार बहन चो, पीछे करते हैं तेरे हाथों पे। सितार है, अगर मैं थोड़ा गलत हूँ मेरे को गाइड कर देना, ठीक है, जो म्यूजिक से प्यार करते हैं। मेरे को सितार लग रहा है। मैंडो भी ऐसी देते हैं, टोन कंफर्म नहीं है। ये तू किस देवते, क्योंकि थोड़ी सी गलती माफी चाहूंगा यार, एयरफोन नहीं है वो, होते तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बता देता। और हमें यहाँ से देखना पड़ रहा है थोड़ी वोकल, अब वॉइस थोड़ी कम करके, ये लाइन कुछ अलग जाने वाली है मुझे, क्यों ठीक है, लग रहा है। तो माफी चाहता हूँ, तो थोड़ा पोज ले लिया, पीछे करते हैं सुनते हैं, तो कोशिश करूंगा कि पोज ना ले। ये लाइन अलग जाने वाली, ये तू किस देवते को बलियां चढ़ाए मेरी, पता नहीं लगता गर्दन पे वार का, तू और तेरे शहर के लोग सारे यार बना के खून पीते हैं यार का, जान कोई मुर्दों में थूके नहीं, हम तेरे जैसा यार छूते नहीं, तू ही था झूठा हम झूठे नहीं। जोहरा यार मेरे को पोज लेना पड़ रहा है, मैं ध्यान किस साइड दूं, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं ध्यान किस साइड दूं भाई। मैं म्यूजिक वाली साइड जाऊं, लिरिक्स ऊपर उससे भी ऊपर आ रहे हैं और ऊपर से उनकी आवाज आ रही है, समझ पा रहे हो? अगर समझ सकते हो थोड़ा रिलेट करो यार मेरे को, मेरे साथ माइंड सेटअप को, है ना, फक यार। क्या पीस है यार, क्या मेलोडी है। आंखें फोड़ देती है, दिल निचोड़ देती है, याद तेरी दिल नहीं हड्डियां तोड़ देती है,
नहीं छोड़ता किसी को यहाँ, एक घर तो जानी चुड़ैल छोड़ देती है। भाई साहब क्या शेर है यार, एक घर तो चुड़ैल छोड़ देती है। तू नहीं पहन दी शिक्की छोड़ रहा है, लेकिन साला चड़ेल को भी इतना कर लो ना, वो भी चली जाती है साला। उसे नहीं पता पूरी बहुत ही होती है, जिगर के आर पार चोट ही होती है। आम कोई होता तो बच जाती जिंदगी, शायर से बेवफाई मौत ही होती है। क्या लिख रहे हो यार, पीछे पीछे थोड़ा सा वो लिरिक्स मिस हो रहे हैं यहाँ से। ओए होए, जैसे मैं टूटा कांच टूटे नहीं जोहरा जबी, कोई महफिल नहीं जिस महफिल में खून हमने फूके नहीं जोहरा जबी, तेरे आशिक थे तेरे आशिक है, तेरे पैरों के जूते नहीं जोहरा जबी। यार फक यार, क्या एल्बम निकाली है यार। प्लीज यार, मैं बोलता हूँ ना, इस ये गानों को ना कुछ फैला दो यार, मार्केट में फैला दो यार, भैंचो समझो यार, सपोर्ट दो, इतना सपोर्ट दो। मैं बोलता हूँ यार, इतनी हम चीजों को सपोर्ट करते हैं यार, इतना क्लासी इतना अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने आज की डेट में दिया है हम जैसे बंदों के लिए, दिल के सुकून के लिए ऐसी उनकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जानी भाई ने चीर फाड़ अपना रख दिया हमारे आगे। लास्ट गाना है, शायद दो चार बातें मैं बोल दूं, है ना, एल्बम की। तो वीडियो पता नहीं कब आएगी, अभी तो ऑडियो चल रहा है। ठीक है, आएंगी वो भी खतरनाक होंगी, ऑब्वियसली बात है। वो भी हम करेंगे, वो तो करेंगे ही, वो तो उनको पता है, स्पेशल करेंगे आपके लिए। तो सपोर्ट करो यार, मैं बोलता हूँ एल्बम फाड़ दो, एक एक गाना सुनो यार। ठीक है, अगर आप अभी डायरेक्ट अगर इस वीडियो पे आए ना भाई मेरे, ठीक है, तो पीछे एक बार जाओ, शुरू से देख के आओ एल्बम, आपको पता लगेगा हम ये बात क्यों बोल रहे हैं। फिर आके मेरे को इसी वीडियो में आके कमेंट में बताना कि आपने सही बोला। और जो शुरू से चल के आ रहे हैं, मतलब पीछे से आए हैं, वो भाई आप तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया है आपका यार, आप यहाँ पे आयो उस वीडियो से। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर आपको ये गाने पसंद है, मतलब आपको ऐसा पसंद आ रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो यार। और मैं एक चीज बोलूं, जैसे आपको पता है काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5, इतना नहीं है, होता है ना, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, ऐसे ही चल रहे। देखो एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, पर एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, मतलब सीधा सा फंडा एक ही है। कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि वो बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है, वो बेटर है। स्टार्टिंग में जब तीन चार गाने सुने, तब मैंने थोड़ी बहुत कर दी कि मेरा को वो अच्छा ज्यादा लगा। भाई जब आगे आगे बढ़े हैं ना भाई, पीछे जाओ ना, ये बातें आपको समझ आ जाएंगी हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन रह गए हैं, थोड़े दिन रह गए हैं पंजाब वालों, करनो एले दी आंडी है फिर एल्बम। ठीक है, मेकिंग मेमोरीज, ठीक है, वो तो एमसी भाई की भी आगे एल्बम आ रही है, तो ये भाई ये मिस मत करना भाई, ये सब देखने के लिए साथ जुड़े रहो, मजा लेने के लिए साथ जुड़े रहो, सपोर्ट करो हमें भी और इनको भी करो यार, थोड़ी बहुत हमें करो, ज्यादा इनको करो। ठीक है, इनको जरूरत है, इनकी मेहनत है, ठीक है, इनकी बहुत मेहनत है। तो बाकी इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म, लव यू है आपको सबको जो अभी तक इस वीडियो के साथ टिके थे, बाकी इसी के साथ जुड़िए रहिए थ्री इडियट्स के साथ यार, मजा लो, थोड़ा बहुत चिल मोड रहता है, थोड़ी बहुत गालियां चालियां देते हैं चलता है, वो आप हमारा आउट पढ़ लो, वहाँ पे गालियां सीधी हमने शरेआम लेके गालियों का उपयोग किया गया है, गालियां सुनना चाहते हो तो आ जाओ, हालांकि अब थोड़ी हमने कम कर दी है। ठीक है, बाकी इसी के साथ वीडियो करते हैं, कदम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए थ्री इडियट्स रिएक्शन, रैप अली करी एंड पीस आउट।